सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी बॉय सीट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि जो लोग डियोडेक्स ड्रोम यूज कर रहे थे फ्लैश करके, वो कह रहे थे कि उनके में थेम स्टोर वर्किंग नहीं कर रहा है, लेकिन मैं उस अपने एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ जिसमें मैंने फ्लैशिंग प्रोसेस बताया था कि इसमें थेम स्टोर वर्क करेगा। जैसे ही आप फ्लैश करके ओपन करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि थेम स्टोर स्टॉप्ड वर्किंग, यानी कि काम नहीं कर रहा है। तो मैंने उसमें बताया था कि आप थर्ड पार्टी सैमसंग का थीम स्टोर का मैंने लिंक भी दिया था, आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते थे, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे वर्क करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आपको मैं थीम्स का दिखा देता हूँ कि अभी मैंने कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, हाल ही में मैंने ये फ्लैश किया है डियोडेक्स ड्रोम, बस इसी के लिए कि आपको दिखा दूं कि इसमें थीम स्टोर कैसे वर्क करेगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, ये होम स्क्रीन और थीम्स वाले ऑप्शन में मैंने जैसे थीम्स पे टैप किया तो ये आप देख सकते हो कि अभी कुछ रिस्पांस नहीं आया, कुछ देर में यही लिख के आएगा कि अनफॉर्चुनेटली सेटिंग हैज स्टॉप्ड, यानी थीम स्टोर इसमें अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो उस पर भी XDA के साइड पर भी नोटिफिकेशन दिया गया था, जो रत्नेश कुमार डेवलपर ने इसे डेवलप किया था, तो उन्होंने कहा था कि इस रोम में थीम स्टोर वर्क नहीं करेगा जब तक आप इसे एक्सटर्नल तरीके से इंस्टॉल करके नहीं यूज करते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक्सटर्नल तरीके से यूज करके। तो मैंने सैमसंग का थीम स्टोर डाउनलोड किया है और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली इसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे इंस्टॉल किया और वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का, और ये आप देख सकते हो कि ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे डन कर देंगे, और डन करने के बाद से अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे थीम्स वाले ऑप्शन पे हम टैप करते हैं तो ये सीधे अब आपका ये थीम्स स्टोर यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे मोर थीम्स पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको ऐसे कुछ देर वेट करेगा और डिपेंड करता है डाटा नेटवर्क पे, और उसके बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे अब ये थीम स्टोर अच्छे तरीके से वर्क करने लगा। तो मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया था कि थीम स्टोर डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा अगर आप इसे फ़ोन को फ्लैश करके ओपन करते हो। आपको ओपन करने के बाद से इसका ऐप जो सैमसंग का थीम स्टोर APK आता है, आपको उसे इसे इसमें इंस्टॉल करना होगा, तब जाके आप अपने फ़ोन में इस रोम में सैमसंग का थीम्स यूज कर पाओगे। तो ये था प्रोसेस सैमसंग थीम स्टोर का इसमें इंस्टॉल करने का डियोडेक्स रोम में। दोबारा वीडियो बनानी पड़ी कुछ लोगों के लिए जो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो आई होप ये अब उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सी यू सून।